गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। आपके ना करेंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन छूटे हुए थे तो वो सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यदि वह मेरे पास आया होता तो मैं उसकी सहायता करता, मतलब एक काम होता तो दूसरा होता। तो ये चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं? हेतु मत पर। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। और ये वर्तमान काल में वो नहीं होता हेतु मत, ये याद रखो। आसन में है आता है, याद रखो। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट है शुद्ध बर्तनी बताना है। शुद्ध बर्तनी कुमुदिनी होता है। ठीक है, और आविष्कार होता है अक्षौहिणी होता है, दुर्वस्था सही है। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी। उज्ज्वल सीख लो। निरोग, दरोगा, ज्योत्सना, वाल्मीकि, अहल्या, ये लिख लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इसमें से बताना है शुद्ध बर्तनी कौन सी है। शुद्ध बर्तनी देखो पूजनी होता है, एक तो होता है पूज्य या होता है पूजनी, ये दोनों याद रखना। अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है। अहल्या तो मैंने लिखना सिखा दिया, द्वार का सही आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, मेरे घर से आपके घर 5 किलोमीटर दूर है, दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, घृणा, शुरुआत और अलगाव, ये सब क्या आता है? आपातन। देखो और एक चीज़ याद है, कार सा कोई परिसर या विभक्ति चिन्ह कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 8। कर्म के साथ क्या लगाते हैं? को। संबंध काकी के रारी रे नानी ने, ठीक है, नानी ने भी आता, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, एक ही समय में वर्तमान, तो इसे क्या कहते हैं? समसामायिक। एक ही समय में घटनाएं जो होती हैं उन्हें समसामायिक, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब इसमें बताना है शुद्ध बर्तनी। शुद्ध बर्तनी किसकी है? तो भगवत गीता दा आता है। ठीक है, ता तो वैसे ही गया, भागवत नहीं होता, भगवत गीता। नेक्स्ट, इसमें बताना है दैत्य का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखो दानव कहेंगे, निशाचर कहेंगे, ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? राक्षस। भूकासुर कौन होता है? ब्राह्मण होता है। ठीक है, और इसे नाटा भी बोलते हैं ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को द्विज भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब याद रखना, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, कनिष्ठ और मध्यमा, मतलब जो कन्नी वाली उंगली होती है ना, सबसे छोटी उंगली, और बीच वाली, इनके बीच में क्या होती है? अनामिका, जिसमें मतलब वो रिंग पहनाई जाती है ना, वही होगी ये अनामिका। ठीक है, आंसर आएगा डी। नेक्स्ट, अयोगवा कौन कौन से होते हैं? अयोगवा दो हैं छोटी, ये अंग और अह। ठीक है, ई ये कहाँ से बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना, और उ ये कहाँ से बोले जाते हैं? ओष से बोले जाते हैं, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है मक्खी का तत्सम बताना है। देखो खा किस में बदल जाता है? छा में। कैसे में? छा में बदल जाता है। देखो तो मक्ष का छा यही है ना, खा छा में बदलेगा, ऐसे समझ लो। और छो माँ है ना, तो माँ का बड़ा कैसे हो जाएगा? ये वैसे ऐसे भी याद रखो, आंसर आएगा डी। और कभी भी आपको रेफ वाला रा दिख जाए, और आपको संस्कृत के शब्द दिख जाए, या छत्र ज्ञा दिख जाए, ये वा दिख जाए, या ये शा दिख जाए, तो ये ज़्यादातर किस में आते हैं? तत्सम में आते हैं। ये क्या है? शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तत्व, देशज, विदेशज, वही सब है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, रावण किसमें नहीं है? तो देखो किसमें रा नहीं है, तो देखो ये क्या है? री है, पृथ्वी होता है। ठीक है, ये क्या है? रेफ वाला रा है। जब भी टा और डा के नीचे बनाते हैं तो इस तरीके का रा बनाते हैं, ये रा है ये। अब आपसे पूछ ले प्रकाश में कौन सा आधा है? तो देखो इसमें पा आधा है और रा पूरा है, ये याद रखना, पा आधा है और रा पूरा, आंसर आएगा सी। पृथ्वी को और क्या कहते हैं? एला। क्या कहते हैं? वसुंधरा। ठीक है, क्षमा, ये सब याद रखना। नेक्स्ट, देवेंद्र, देव प्लस इंद्र, एक मात्रा है तो एक गुण सब में होता है, आंसर आएगा बी। संधि का विलोम क्या होता है बताओ? संधि का होता है विक्रय। वृद्धि में क्या आता है? दो मात्रा। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। अयादि में अय, आय, अवाव, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया? तो ये बन गया कोलकाता। सबसे पुराना लाइब्रेरी कहाँ पे? और सबसे बड़ा, तो ये वो भी कोलकाता में, ये भी याद रखना। कोलकाता किसके किनारे? हुगली नदी के किनारे। ठीक है, श्रीनगर में आपको डल लेक और बुलर लेक मिलेगी, ये याद रखना। पुणे में क्या है बताओ? वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है, ये जो अभी कोरोना वगैरह हुआ था उसका इंस्टीट्यूट यहीं पर ही है पुणे में। शिलोंग सोमा शहर बना था, स्मार्ट सिटी। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। अच्छा, कोलकाता हाईकोर्ट सबसे पुराना हाईकोर्ट है, 1861 बना था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके ही अंदर अंडमान निकोबार का हाईकोर्ट भी आता है, याद रख लेना। और बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत का पहला
ओलंपिक मूल्य शिक्षा देने वाला कौन सा बन गया? उड़ीसा बन गया। उड़ीसा से याद रखना कोणार्क सूर्य टेम्पल, ठीक है। 10 रुपये के नोट के पीछे यही अंकित है, ये याद रखना। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। और टिन पूछ ले तो छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में तो हरेली उत्सव भी है। हरेला कहाँ है आपका? उत्तराखंड में, ठीक है। मेघालय में गारो खासी जयंती है, ये याद रखना। और केरल में मकर बिलक्कू त्यौहार लॉर्ड अय्यप्पा को समर्पित सबरीमाला टेम्पल में, ठीक है। और इसे ही क्या कहा जाता है? गार्डन ऑफ स्पाइस। अच्छा, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? काली मिर्च। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची। ये दोनों अलग अलग याद रखना। और फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसकी किस्म मिलती है? तो आम की सबसे ज़्यादा, ठीक है। और यूपी में सबसे ज़्यादा कौन सा आम मिलता है? दशहरी, ये भी याद रखना। अच्छा, शेरशाह सूरी का नाम सुना है आपने? उसने जब चौसा का युद्ध जीता था ना, तभी से चौसा आम पड़ा था नाम, ये भी थोड़ा सा याद करना चाहो, अलग से बता दिया। आंसर क्या आ जाएगा इसका? आंसर था इसका उड़ीसा। नेक्स्ट, लिसन टू योर हार्ट। हमारा हार्ट, देखो एक यहाँ पे है बॉय, यहाँ है गर्ल, इनके बीच में क्या है? हार्ट बना दो, मतलब बेकार है। मेरी तो ट्रंक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मेरे 50 नंबर आए थे 10th में। तो बॉन्ड किसे बनता है? हार्ट से बनता है। तो रस्किन बॉन्ड, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कभी कि जितनी भी इनकी बुक आती है, इसलिए लिखा दिया, ठीक है, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये कह रहा है कॉम्बैट एविएटर, कॉम्बैट एविएटर आर्मी एविएशन कोर्स। देखो आर्मी के अंदर भी ना ये हेलीकॉप्टर वगैरह का एक विंग है, तो उसमें कौन बन गई है? अभिलाषा बराग। वैशाली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बनी थी हेड। अब देखो आर्मी हेड कौन है अपने, वो आप लोग बताना। 15 जनवरी को आर्मी डे बनाते हैं, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, कल शिवानी जी ने एक क्वेश्चन हमारा कन्फर्म कराया था, 7 अप्रैल 1948 को होता है क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने अप्रैल की जगह कल गलती से अगस्त बता दिया होगा, तो ये आप लोग सही शुद्ध कर लेना। और थैंक यू शिवानी जी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? अभिलाषा। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? देखो सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान 2014 से चालू हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 किसके? महात्मा गांधी जी के, उस पर। तो ये है बेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। अब ये जो है ना स्वच्छ सर्वेक्षण, ये 8वां है। कौन सा हो रहा है? 8वां हो रहा है, ये भी याद रखना। और स्वच्छता में सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन रहता है? इंदौर, ठीक है। इंदौर कहाँ है? एमपी में, एमपी में ही कान्हा नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। परम पोरुल एक सुपर कंप्यूटर, ये तिरुचिरापल्ली, ऐसे पोरुल रू आ रहा है और इसमें भी रू आ रहा है, ऐसे याद रख लो, ठीक है। और परम हमारा क्या सुपर कंप्यूटर भी, ये भी याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट है ये कह रहा है पैरा बैडमिंटन टीम ने बहरीन में कितने पदक जीत लिए? तो 23 जीत लिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी, सारी इंपॉर्टेंट है आज के। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अभी ये कह रहा है कि किसका अंतर्राज्यीय परिषद का स्थायी समिति, देखो अंतर्राज्यीय परिषद किसका? सरकारी आयोग। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राज्यीय परिषद किसने बनाई थी? सरकारी आयोग से बनी थी। 263 आर्टिकल किसका है? अंतर्राज्यीय। इसका हेड कौन होता है? पीएम। मगर इसकी जो अब स्थायी समिति, उसके हेड कौन बन गए? अमित शाह। अमित शाह के पास कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी है, ठीक है, ये भी याद रखना। और आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट नेक्स्ट है 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? चौथा कहाँ हुआ था? ये हुआ था जापान में, अभी हुआ था कल परसों। 5वां कहाँ पे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। आंसर आएगा सी। अच्छा, जापान से याद करना होकाइडो होन्शू शिकागो क्यूशू, 4 आइलैंड इसके। बार बार डाइट इसकी क्या है? संसद का नाम है, ठीक है, ये याद रखना। यूएस में मिसिसिपी रिवर है, और न्यूयॉर्क किसके किनारे? हडसन नदी के किनारे। 49 पैरेलल यूएसए और किसके बीच में? कनाडा के बीच में, ये याद रखना 3-4 फैक्टर से। और लैंड ऑफ प्लीज किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ये भी याद रखना। कैनबरा क्या है? इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रेलिया याद रखना कि आपका 7वां सबसे, मतलब 7वें नंबर पे आता है कॉन्टिनेंट में, 7 कॉन्टिनेंट है ना। 5वें पे आता है अंटार्कटिका, 6वें पे आता है यूरोप, 7वें पे ये आता है। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर ये पूछे कि स्थान के हिसाब से जो देश हैं उनमें इसकी पोजीशन क्या आती है, इसकी आती है 6वीं। ये क्यों पूछी जाती है? क्योंकि 7वें पे इंडिया आता है, 8वें पे अर्जेंटीना। तो 6, 7, 8 तीनों याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसमें? आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट नेक्स्ट है आभा। आभा किससे रिलेटेड? आभा रिलेटेड है आपका नीति आयोग, नहीं, किसने लॉन्च किया ये कह रहा है। अच्छा देखो, ये जो आभा लॉन्च किया है ना, ये किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म याद रखना, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अच्छा, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? खुल्लर, ठीक है। अभी कौन है बताओ? अभी हैं सुमन बेरी, नई बने थे अभी, इसीलिए याद रखना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से याद रखना
क्या जा सकते हो, इसमें सब इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, मतलब 34 हो सकते हैं मैक्सिमम इसमें जज या 35 हो सकते हैं, आप लोग बताना, थोड़ा सा मुझे भी डाउट है 34 से 35 में, ठीक है। अब कुछ चीज़ें याद रख लो, आयुष्मान भारत, आयुष्मान योजना कब चालू हुई थी, या देखो पहले लिखो जन औषधि योजना, जन औषधि योजना बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, 2015 में ही उजाला योजना भी थी, ठीक है ये याद रखो। और याद रखना है आपको, तो याद रखो क्वेश्चन है स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ये कब आई थी, 2017 में, ठीक है ये भी याद रख लो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये तो लिमिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय भाषा को मिला है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो गीतांजलि श्री, टॉम ऑफ सेंट ये इसकी किताब का नाम है इनकी, तो जरूर याद रखना, ये भी याद रखो, ये भी याद रखो, ये भी, ठीक है तीनों। अच्छा, यूपी की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो ये है उर्दू, 1989 में बनी थी, ठीक है ये याद रख लेना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और आंसर क्या आ जाएगा, ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी, अभी जदीन निखत का नाम सुना था जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है एक गोल्ड है इसमें, तीन और हैं, ऐसे करके चार मेडल आए, निखत जदीन याद रखना जरूर, बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब इसमें कह रहे हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ये किसने किया है, तो ये करता है शिक्षा मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान कौन है इसके हेड। अभी नई शिक्षा नीति आई थी ना, वो कर्नाटक ने सबसे पहले लागू की थी, ये याद रखना, कर्नाटक में अंसी और बनरघट्टा ये नेशनल पार्क है, ये भी याद रखना। और कैगन न्यूक्लियर पावर प्लांट का है, ये भी कर्नाटक में, आंसर क्या आ जाएगा इसका, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ड्रोन महोत्सव, ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्योंकि मोदी जी ने शुरू किया, तो नई दिल्ली, नई दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ, और यहीं पर क्या है, हुमायूं टॉम, ठीक है ये भी याद रखना। और एक चीज़ और याद रखना, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, खिलजी सबसे कम टाइम तक शासन किया था दिल्ली पे, और तुगलक ने सबसे ज़्यादा, मुंबई सालसेट द्वीप पे, उल्लास नदी के किनारे, ये भी याद रखना। थालघाट और बोरघाट दर्रा यहीं पे, ये पालघाट दर्रा कहाँ है, केरल और तमिलनाडु के पास है, ठीक है बीच में है, ऐसे समझ लो। और बस आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर कौन पहुँच गया है, तो ये पहुँच गया प्याली, ठीक है प्रियंका मोहिते, मतलब 5000 मीटर से ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली ये बनी थी, ठीक है ये भी याद रखना। 29 मई 1953 को पहली बार एलमंड हिलेरी और इनके शेरपा एक साथ गए थे पहली बार, 29 मई को माउंट एवरेस्ट मनाते हैं, इसीलिए 8848 इसकी क्या हाइट है, ये भी याद रखना। और 1953 ये भी पूछी गई है, ये पैट का जब एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें आई थी कि कब गए थे लोग, आंसर आएगा प्याली ए। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड किसे मिला है, पश्चिम बंगाल को, ठीक है। और झारखंड, एक चीज़ याद रखना, जो मनरेगा आपने नाम सुना है, सबसे पहले नरेगा के नाम से 2006 में लॉन्च हुआ था, 2009 में फिर मनरेगा हुआ था, उसमें बायोमेट्रिक शुरू करने वाला झारखंड पहला था 2013 में। और इसमें जो मनरेगा है ना, कई क्वेश्चन आते हैं इससे, याद रख लो 15 दिन में इसका क्या मिलता है, रुपया 15 दिन बाद मिलते हैं। और 33% महिलाओं के लिए है इसमें जगह, और बस इतना याद रखो। आंध्र प्रदेश में क्या है, बोरा केव्स और विरूपाक्ष टेम्पल, ये दोनों याद रखो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आएगा इसका पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारतीय लॉन्ग जंपर ने 12वीं अंतर्राष्ट्रीय, एक सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में गोल्ड जीता है, तो ये कौन है बताओ, तो ये है मुरली श्री शंकर, ये सबसे टॉप पे चल रहे हैं इंडिया के अंदर, इसीलिए याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इनाम, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप ये कह रहे हैं राजेश विशाल की तुलना में दो गुना कार्य करता, तो ये एक करता है ये दो करता है, दोनों मिलकर 28 दिन में काम पूरा करते हैं, 28 × 3 बटे, ये कह रहा है विशाल कितने दिन में करेगा, विशाल एक की स्पीड से करेगा, तो 28 से कितना होगा, 20 × 60 = 24 दिन में करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है मंजू ने 17,000 रुपये में 15% के घाटे से कोई चीज़ बेची, अगर उसे 15% का मुनाफा चाहिए तो कितने में बेचेगी, तो देखो 15% का घाटा मतलब 85 की कीमत 170 दे रखी है, ऐसे समझ लो, 85 × 170 15% का मुनाफा मतलब 115 का दोगुना कितना होगा, एक का तो दो हो गया, 15 का 30 हो गया, तो 230 ऐसे कर सकते हो आप जल्दी से, आंसर आएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एक कक्षा में 25 अंकों में से, एक कक्षा में आयोजित एक छात्र ने 25 अंक में से 21 मिले, 25 में से 21 मिले तो कितने परसेंट अंक मिले, परसेंट कितने में से निकालते, 100, तो 25 में 4 का गुणा करेंगे, इसमें भी 4 का कर दो, तो 21 × 84 आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये कह रहा है कि बहुभुज की कुल भुजाएं बतानी, 360 उसका बाहुकोण है, 360 / 10 कितनी आ गई, 36 n × n -
3/2, ये याद रख लेना, इससे विकर्ण निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, दो संख्या को एलसीएम अनुपात दे रखा, ये महत्तम समापन तक, ये एलसीएम पूछा। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, बस गुणा कर दो सबको, 16 × 32 = 32। और ये क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये भी याद रखना, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है अभी इसका माध्यिका बतानी, माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बीच वाली संख्या होती है। पहले तो लाइन से क्रम से लगाओ, ठीक है, क्रम से लगाने के बाद बीच वाली, तो ये पहले से ही क्रम से है, तो तीन हटाओ, एक और हटाओ, एक और हटाओ, इधर से हटाओ, रुको मैंने शायद गलत हटा दी, ये कितने, 1, 2, 3, 4, 3 और 1, 4, तो ये और ये हटाओ, तो ये बीच वाली संख्या बचेगी, तो यही माध्यिका है। आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। अब आपसे भी पूछ लेगा किसका, क्या बताओ, मोड बताओ, मोड होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, सबसे ज़्यादा बार क्या है इसमें, 8। ठीक है, एक याद रखना, मोड बराबर होता है 3 median - 2 mean, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। इसी के साथ अपने अपने को ध्यान रखना, छोटों को प्यार देना और महिलाओं को इज्जत देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।